हे गाइस गुड मॉर्निंग, ना पेर देवांशु, अंदर की नमस्कारम। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो जाइए जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों फिर आज की इस व्लॉग को शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो इस वक्त मैं आया हूँ छत पे व्लॉग करने के लिए और जो हमारी जो ना दिन की शुरुआत है कुछ इस तरह हो रही है। सुबह सुबह का वक्त है, 10:30 बज रहे हैं, 10:30 बज रहे हैं, एक मिनट रुक जाओ देखो तो मोबाइल पे, हाँ करेक्ट, तो 10:30 बज रहे हैं और देख सकते हो आसपास का इन्वायरमेंट काफी ज्यादा जबरदस्त हो गया दोस्तों। कल रात में दोस्तों 1:30 बजे जो है ना बारिश गिरनी चालू हुई, 5 या 6 बजे तक जो है ना, और जितने भी आसपास के सराउंडिंग एरियाज है ना सब क्लीन एंड क्लियर हो गए एकदम। मतलब वेदर भी देख सकते हो एकदम डल टाइप का है, लेकिन हल्की हल्की जो है ना ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो दोस्तों अभी मेरे दोस्त लोग आने वाले हैं, मुझे फोन किए थे कुछ देर पहले और उन लोग कह रहे थे कि भाई अपन जो है ना कल आने वाले थे, कल नहीं आ पाए क्योंकि तू अपना ऑनलाइन वर्क फिनिश कर रहा था, डेट्स वाई। तो आज अपन जो आ रहे हैं अपना आज प्लान बन गया, तो जल्दी से नीचे उतर जा और फटाक से हम लोग से मिलने के लिए आ जा। अभी फिलहाल मैं नीचे जाऊंगा, थोड़ी देर में जब उन लोग आएंगे मुझे कॉल करेंगे। तो दोस्तों मुझे कभी कभार लगता है कि छत पे भी आके व्लॉगिंग कर लेना चाहिए, हमेशा छत पे आके व्लॉगिंग करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों बारिश गिरने के बाद जिस तरह का भी इन्वायरमेंट हो जाता है ना बड़ा ही प्यारा लगता है, कि खुले आसमान के नीचे जो है ना एकदम व्लॉगिंग करने का मजा ही कुछ और है दोस्तों। दोस्तों आप लोगों से मैं एक बात कहना चाहूंगा, अगर मेरे दिन भर के व्लॉग में एक या दो कमेंट भी आ जाता है ना पूरा दिन बन जाता है और मैं पूरा दिन मोटिवेट रहता हूँ। और दोस्तों आप लोग जो मुझे कमेंट करते हो उसी को मैं पढ़ के इतना मोटिवेट रहता हूँ और हमेशा जो है ना एकदम चार्ज रहता हूँ। तो दोस्तों मेरे सब्सक्राइबर्स में से ने कहा मुझे कमेंट करके, और उसने ये कहा कि दोस्तों मेरे बैकग्राउंड साउंड में काफी ज्यादा जो है ना नॉइस आता है और वो कहाँ से आता है नॉइस आप लोगों को ले जाके मैं दिखाता हूँ। तो जिस नॉइस के बारे में मैं आप लोगों से जिक्र कर रहा था ना वो यहाँ से आता है, जैसे कि आप देख सकते हो मेरा घर ना रोड साइड से लगा हुआ है जिसके कारण ना मुझे डिस्टर्ब काफी होता है, जो भी यहाँ से गाड़ी आती जाती रहती है, यानी कि अपने मेरे स्ट्रीट पे कोई भी अगर सब्जी बेचने वाला आता है तो उसके कारण भी डिस्टर्ब होता है। जैसे कि देखो अभी कुछ देर के लिए अभी माहौल अभी शांत है, ठीक है, अभी देखो यहाँ से एक गाड़ी चली गई अचानक से तो मेरे को डिस्टर्ब होता है। फिर मैं क्या करता हूँ दोस्तों, मैं कट कर देता हूँ, फिर कुछ देर के लिए रुकता हूँ, फिर उसके बाद देखता हूँ अगर माहौल शांत है फिर से जो है मैं अपना व्लॉग चालू करता हूँ। तो कुछ इसी तरह का जो है ना मेरे घर के आसपास का नजारा रहता है और इसी तरह जो है ना मेरे को हमेशा का डिस्टर्ब रहता है। तो दोस्तों मैं पहले शांत हो जाता हूँ, इनको जाने दो, ये तो हमेशा का यही हाल होता है, तो इनके जाने के बाद ही जो है मैं बोल पाऊँ चले गए शायद। हाँ दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं, मैं कहा था वैसे दोस्तों मेरे फ्रेंड्स आ गए हैं नीचे और वेट कर रहे मेरा, तो मैं नीचे जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले सेफ्टी के साथ नीचे उतरेंगे। कहाँ गए इन लोग, वो देखो वहां पे खड़े हैं, कौन कौन आया है, कोई नया लड़का दिख रहा है, कैसे हो तेरे को पुलिस पकड़ लिया था, चालान काटा, तो फ्रेंड्स मैं फाइनली मिल गया अपने लॉकर भाई से, ये मेरा फ्रेंड, दौड़ बोल दो कुछ, दौड़ बोल दो कुछ, ठीक है ना हम लोग अपने मस्ती में लगे हुए ना क्योंकि इतने दिनों के बाद मिल रहे हैं, अच्छा लगा। बचा मेरा बताऊं गिन के ना 3 सब्जेक्ट अभी बचा, कल रात में मैं हिंदी कंप्लीट कर लिया था थोड़ा सी बचा, देख मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ना 7 तारीख से पहले कंप्लीट हो जाए, 6 हो जाएंगे लास्ट डेट, मैं जब देखा ना तो न्यूज में आता कि 10 तारीख बोल रहे थे, और आहत कहाँ है, मैं आहत बताऊँ, मैं आहत समझ लिया था इसको दूर से, हो गया सब्जेक्ट पूरा लिखना, लिखने बैठने ही वाला था। अच्छा वो तू जिक्र कर दिया इस बात का कि स्टैट्स का 4 PDF के बारे में, मैं खुद को चैलेंज दे देता हूँ लगातार जो है ना 30 दिन तक कंटिन्यू करना है, मतलब कुछ भी हो समय को जो है ना व्यर्थ नहीं करना है, स्टडी और प्लस ब्लॉगिंग दोनों को मैं लेके चलता था। काफी अच्छा लगा यार तुम लोग मेरे से मिलने के लिए आए, हालांकि जब एग्जाम चालू हुआ था ऑनलाइन अपन जो है फोन में ही सिर्फ और मैसेजिंग में ही सिर्फ बात हो रहा था, फिलहाल तो अभी असली मजा कब आएगा उसका पता है 6 तारीख को जब सब फेस टू फेस मिलेंगे सामने। एक बार अंजल नया गाड़ी लिया है, ठीक है, पार्टी देगा देगा देगा, 6 तारीख को दूंगा पार्टी, चिंता मत करो 6 तारीख को बोल दिया तू, 6 तारीख को बोल दिया, ऑडियंस देख रही है, इसका कैसे करना है आपने वो मैम से तो पूछ लिया था ना, मेरे को यही डाउट हो रहा है कि स्पाइरल ना करने बोले मैम, स्पाइरल नहीं करने बोले, स्टेपल बोले, स्टेपल करके मतलब सिंपल सबमिट करके आ जाओ। अच्छा सुना मेरे को लेट हो रहा है, हां चलो चलो ठीक है फिर 6 तारीख को मिलते हैं, बाय 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 बाय, आराम से आना, हां बिल्कुल ओके। तो दोस्तों काफी देर हो गया है और बातों बातों में मैं तो भूल ही गया था कि मुझे अपना कॉलेज का ऑनलाइन वर्क भी फिनिश करना है, तो जल्दी से पहले मैं फिनिश करता हूँ उसके बाद मैं आप लोगों से मिलता हूँ, ओके। 2 hours later
सो फाइनली दोस्तों मुझे जो कॉलेज से ऑनलाइन वर्क मिला था कॉस्ट अकाउंटिंग का, अभी आधा हुआ है फिलहाल। अभी बज रहे हैं शाम के 4:30 इस वक्त और मैं जा रहा हूँ नीचे साइकिलिंग करने के लिए, क्योंकि दोस्तों मेरा फ्रेंड आया है उत्कर्ष, मेरे लिए वेट कर रहा है नीचे। आज देखते हैं आज अपन कौन से न्यू प्लेस में जाएंगे, लेकिन जिस भी जगह जाएंगे वहाँ काफी ज्यादा मजा आने वाला है, तो स्टे ट्यून्ड गाइस। तो चलिए दोस्तों मैं चलता हूँ नीचे साइकिलिंग करने के लिए। तो दोस्तों ये रहा मेरा फ्रेंड उत्कर्ष। हाय। हम लोग इस वक्त है मेन रोड पर और मेन रोड का नजारा कुछ इस तरह का है ड्यूरिंग लॉकडाउन के बाद। और दोस्तों ये देखो लाइन से पूरा ठेला लगा है आम का। उत्कर्ष गन्ना रस दुकान का क्या हाल है, इस बार तो नहीं लगाया, क्या हो गया? लेट हो गया है? लेट हो जाने में। मैं लेट हो गया आने में? तो भाई कई कई जगहों में तो अभी तो लगा हुआ है। गर्मी गया भैया। तेरे को भी मिला होगा तेरे कॉलेज से? नहीं, 5 तारीख से तुम लोग का जो है एग्जाम चालू होगा। 4 तारीख से? और कितने का दिन चलेगा? 10 दिन। मेरा जो बीकॉम सब्जेक्ट है उससे भी ज्यादा हार्ड है ना तेरा बीएससी। मेरा तो ठीक है, इजी है, लेकिन भाई शाम के वक्त साइकिलिंग करने का जो मजा है ना वो कहीं नहीं है भाई। लॉकडाउन में हम लोगों ने साइकिलिंग किया लेकिन उतना नहीं जितना अभी कर रहे हैं इस वक्त। अरे 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 कैसे चला रहे लोग, गिरेगा तो? ये कोई तरीका होता चलाने का? तो दोस्तों जैसे कि देख सकते हो पेट्रोल पंप पे इस वक्त कितना भीड़ है, बाप रे हद से ज्यादा। तो दोस्तों आज हम लोग आए सेक्टर 5 साइकिलिंग करने के लिए। कोई गाड़ी नहीं, मोड़ ले। और अंकल जी यहाँ पे सेफ्टी के साथ मास्क में। इस साइड का एरिया जबरदस्त है यार सेक्टर 5 का। इस साइड अपन बहुत कम आए ना, लेकिन मेन जहाँ से सेक्टर 5 चालू होता है उस साइड अपन ज्यादातर एंटर किए ना। दोस्तों कुछ इस तरह का व्यू है सेक्टर 5 का जैसे कि देख सकते हो। जस्ट मेरे राइट साइड जैसे कि आप देख सकते हो सेक्टर 5 का मार्केट। और शाम के वक्त अब जो है अपने अपने घर से बाहर वॉकिंग के लिए निकल रहे हैं, साइकिलिंग करने के लिए निकल रहे हैं जैसे कि हम लोग हैं। और देख सकते हो आगे का नज़ारा कितना ब्यूटीफुल है। और यहाँ पे ये भाई साहब अकेले बैठे हैं। और दोस्तों ये रहा सेक्टर 5 का पानी टैंकी और यहीं से जो है सभी लोगों को वाटर सप्लाई होता है। और दोस्तों ये रहा सेक्टर 5 का बस स्टैंड जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हो। लेकिन उत्कर्ष मानना पड़ेगा सेक्टर 5 एकदम डेवलप हो गया भाई। अब दोस्तों आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ सेक्टर 5 का मंदिर। तो दोस्तों ये रहा सेक्टर बालाजी मंदिर और जैसे कि आप ये देख रहे हो बिल्डिंग, ये भवन है और जस्ट उसके बाजू में जो है बालाजी टेम्पल है। इस वक्त जो है मंदिर की सफाई हो रही है और दोस्तों कुछ इस तरह जो है मंदिर के अंदर जो है पूजा हो रही है। कोशिश करता हूँ आप लोगों को मैं अंदर ले जाकर थोड़ा सा दिखा पाऊँ। तो दोस्तों अभी मैं आप लोगों को सेक्टर 5 का मंदिर का दर्शन कराने वाला हूँ, तो चलो। तो दोस्तों जस्ट आप मेरे पीछे देख सकते हो ये है बालाजी टेम्पल और जस्ट इस साइड है जैसे कि गणेश टेम्पल है। तो दोस्तों अभी मंदिर से अपन जो है निकल रहे हैं इस वक्त। और ये रहा उत्कर्ष, तो एकदम पीछे क्यों रह जाता है, साथ साथ चल भाई। उत्कर्ष पता है सेक्टर 5 एंटर करते समय और एग्जिट करते समय सिर्फ एक ही एक चीज़ जो है मुझे बहुत अच्छा लगता है देखने में भी, दिखाता आप लोगों को भी दोस्तों बैक कैमरे से, वो चीज़ ये है आई लव भिलाई। तो दोस्तों अपन अभी यहाँ पे रुके ट्रैफिक के कारण जैसे कि आप देख सकते हो। तो दोस्तों अभी अपन जो है सेक्टर 6 पहुंच चुके हैं और जा रहा था उसी टाइम मेरा फ्रेंड मिल गया आदित्य। और कैसे? बहुत बढ़िया। कहाँ आए थे? अरे हाँ आजकल दिखते नहीं हो यार, कहाँ? सही है, अपने अपने लाइफ में जो है एंजॉय कर रहे हैं बस। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि मेरा फ्रेंड इतने दिनों के बाद मुझसे मिला और वैसे भी वो मुझसे कॉन्टैक्ट करने वाला था। फिलहाल दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ घर की तरफ। तो दोस्तों आज के इस व्लॉग पे बस इतना ही। दिस इज देवांशु साइनिंग ऑफ। आप लोगों को मैं फिर मिलूंगा नेक्स्ट व्लॉग पे। सब्सक्राइब टू माय चैनल। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।